हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 11 का अध्याय नंबर 2। ठीक है, इसके पहले हम इस पे 2 लेक्चर ले चुके हैं और पहले लेक्चर में हम मापन क्या होता है, मापक मतलब मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, भौतिक राशि क्या होती हैं इसके बारे में हम चर्चा किए थे और कितने मूल राशियाँ होती हैं ये भी मैं आप लोगों को बताया था। फिर सेकेंड लेक्चर में मैं और 2 पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, रेडियन स्टेट रेडियन, उसको मैं फिगर बना के अच्छे से बताया था। फिर उसके उसी में मैं बताया था बीमा। ठीक है, तो बीमा पे ही चर्चा चल रही थी तो बीमा पे हम चर्चा आपके कंटिन्यू करते हैं। तो बीमा के बारे में हम सारे फॉर्मूले को डेराइव किए थे कि इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा क्या होती है ना, त्वरण की, क्षेत्रफल की, आयतन की ना, ये सब जो राशियाँ हैं सबकी बीमा हम निकाले थे ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो बीमा है ठीक है इसका अनुप्रयोग ना। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि बीमीय राशियों का अनुप्रयोग ना, बीमीय विश्लेषण एवं इनका अनुप्रयोग न। बच्चों, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा हमारा हुआ था तो आज हम इसमें पहला डाल अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला अनुप्रयोग है कि किसी एक मात्रक पद्धति को किसी एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति किसी एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, ठीक है, पद्धति को ऐसे भी लिखते हैं भाई ना, हम बचपन से ऐसे ही लिखते आए हैं। ठीक है ना, किसी मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। क्योंकि तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम मात्रक पद्धति पढ़े, क्या पढ़े हैं, MKS सिस्टम ना, और FPS सिस्टम, CGS सिस्टम। तो कोई भी चीज़ और के मान लो हमको पता है MKS सिस्टम में, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे FPS सिस्टम में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये पहला नोट कर लीजिए और इसमें हम आपको लिखवाते हैं अभी ना, नोट कर लीजिए पहला, थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लिखना है तो बोर्ड पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसको थोड़ा हम समझाते हैं कि कैसे करेंगे। मान लीजिए ठीक है, जैसे कि कोई मतलब कोई एक मात्रक पद्धति है तो उसका जो मात्रक होता है ना, U मान लेते हैं कि उसका मात्रक क्या है, U है ना। ठीक, तो U इज प्रोपोर्शनल टू ना 1/N ना। देखो कैसे, इसे मान लो कि हम लिखते हैं कितना, इसे मान लो कि बल का मात्रक कितना होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन मात्रक है ना भैया, न्यूटन क्या है, मात्रक है। तो न्यूटन के सामने 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन जो भी है ओके, इसके मल्टीप्लाई में है। अगर हम इसको लिख देंगे न्यूटन इक्वल टू न्यूटन, ठीक है, अगर ये 5 को इधर लाएंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अपान में आ जाती है कि नहीं आ जाती है, आ जाती है ना। तो उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि कोई भी अर्के मात्रक है ना, और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये इस सेंस से समझना ज़रा ना, हम इसको इसीलिए लिखे हैं। जैसे मान लीजिए हम बल इक्वल टू 5 न्यूटन लिखते तो ये 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अगर 5 को इधर लाएंगे तो 1/5 हो जाएगा ना। तो n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। u क्या है, किसी भौतिक राशि का मात्रक है ना।
पहले हम ऐसे थोड़ा सा लिख लें और कि प्रूफ कर रहे हैं तो अच्छे से कर ही दें। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि माना किसी भौतिक राशि का मात्रक, माना किसी भौतिक राशि का मात्रक क्या है, u है, तथा आंकिक मान n है, तब हम क्या लिख सकते हैं, u is universally proportional to 1/n। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती टू 1/n, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, u इंटू एन ना, यू इंटू एन इक्वल टू नियतांक लिख सकते हैं, नियतांक कुछ भी आ सकता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो एक हमको नियतांक मिलता है ना, तो वही लिख दिए, n को इधर भेज दिए तो u इंटू एन इक्वल टू क्या लिख दिए, नियतांक। इसको डाल लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1 ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर लिखते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 आपका यहाँ पे है, ठीक है। यद्यपि हम क्या करें, ये तो हम आपको बस बताए हैं, लेकिन जैसे फिर लिखते हैं, माना किसी भौतिक राशि का मात्रक u1 है, तथा आंकिक मान या फिर उनका गुणांक जो है, मात्रक u1 है तथा उनका गुणांक या फिर आंकिक मान कितना है, n1 है, तब क्या लिख दो, u1 into n1 इक्वल टू q लिखते हैं, ठीक है। पहले के लिए हो गया, और दूसरे के लिए मान लो इसी के समतुल्य कोई, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू ठीक, इसी भौतिक राशि के समतुल्य ना, माना इसी भौतिक राशि के समतुल्य दूसरे मात्रक पद्धति में मात्रक क्या है बच्चा, मात्रक u2 है, तथा इसका न्यूमेरल वैल्यू या फिर आंकिक मान या फिर गुणांक n2 है ना, तो क्या ले सकते हैं, u2 into n2 इक्वल टू q ना बच्चों, क्योंकि ये देखो समतुल्य है ना, ये एक दूसरे मात्रक पद्धति में हम क्या बता रहे हैं कि किसी एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज करना, ये बता रहे हैं ना। तो मान लीजिए पहले मात्रक पद्धति में क्या है, u1 n1 इक्वल टू q हो गया, तो दूसरे मात्रक पद्धति में u2 into n2 इक्वल टू क्या हो गया, q हो गया ना बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं ना, ठीक, ध्यान समझिएगा, बहुत काम आएगा ये आपको, ठीक है। कोई सर मतलब जल्दी बताते नहीं है आपको, ठीक है, इतना डीप में जाते नहीं है। तो देखिए u1 n1 इक्वल टू q हो गया, u2 n2 इक्वल टू q हो गया ना। अब दो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेट कर देते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देना समीकरण नंबर दो तथा समीकरण नंबर 3 से ना, समीकरण नंबर 2 था, समीकरण नंबर 3 से ऊपर की बात मिटा दे रहे हैं ना बच्चों।
समीकरण नंबर दो, तो समीकरण नंबर तीन से हमको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा हमको u1 into n1 equal to u2 into n2 ना बच्चों? ठीक, मान लेते हैं यहाँ ये मान लो आ गया फोर इक्वेशन ना, मान लेते हैं कि जो पहले पद्धति में मात्रक u1 है ना, पहले पद्धति के मात्रक ना बच्चा, मात्रक u1 की बीमा ना क्या हो जाएगी बच्चों? देखो हम जानते हैं, सपोज कर लेते हैं कि u1 कितना है, m की पावर a ना बन्ना, m1 की पावर a ना, l1 की पावर b, ठीक, m l t, t1 की पावर c, ऐसा मान लेते हैं ना, समझे? और जो दूसरे पद्धति में है, दूसरे पद्धति के मात्रक की बीमा की बीमा बीमा भैया बीमा ठीक क्या है? U2 इक्वल टू M2 के पावर A ना, L2 के पावर B एंड T2 के पावर C, ऐसा कुछ है ना? तो जो U1 है और U2 है, इसका मान हम समीकरण नंबर चार में रख दें ना, समीकरण नंबर चार में रख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि U1 व U2, थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं भैया, U1 व U2 का मान, का मान समीकरण नंबर चार में रखने पर, आए बात समझे? U1 और U2 का मान समीकरण नंबर चार में रखने पर देखिए क्या होता है, हमारे ये चेंज हो जाएगा देखिए, U1 हमें क्या निकाले हैं, M1 के पावर A, ठीक है, L1 के पावर B और T1 के पावर C ना बच्चों, इंटू N1 ना, इक्वल टू M1 के पावर या M2 हो जाएगा ना, M2 के पावर A, L2 के पावर B एंड T2 के पावर C, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, N2 ना, ठीक। तो इसे क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक मात्रक पद्धति की बीमा ये है, उसको दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? इसे मान लीजिए हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो N1 निकालना पड़ेगा हमको, या तो N2 निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको N1 पता है ना, हमको N1 पता है, ये चीज़ पता है, हमको बस N2 का मान निकालना होगा, तो हम इसकी बीमा को इसमें चेंज कर पाएंगे बस इस वैल्यू से, N1 और N2 से ना। तो क्या कर देंगे, देखो इसे मान लीजिए हमको ये पता है, ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 को इसी तरह रहने दीजिए ना, ये आएगा इसके अपान में हो जाएगा ना बच्चों, ये इधर आएगा तो इसके अपान में हो जाएगा। तो देखिए N2 इक्वल टू N1 इन टू, जब अपान में हो जाएगा बच्चों, तो M1 के पावर A, L1 के पावर B, T1 के पावर C ना, और ये इसके अपान में होगा, M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C ना बच्चों। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, N2 इक्वल टू N1 इन टू M1 अपान M2 होल के पावर क्या, होल के पावर क्या, A ना बच्चों, और L1 अपान में L2 होल के पावर क्या, B ना बच्चों, और T1 अपान T2 होल के पावर क्या बच्चों, C, समझे? N2 इक्वल टू हमारा इतना आ गया, बस हमारा काम बन गया, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, मतलब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में चेंज करना
ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो और इस पर हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल कराते हैं, देखो कैसे हो पाता है ना। ठीक, मिटा देते हैं। अच्छा रुके रहो, जो कोई नोट नहीं किया है उसको नोट कर लो भाई, जो कोई नोट नहीं किया वो नोट कर लो। ठीक है बच्चों, नोट कर लिए, मिटा देते हैं। इस पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल है आपका कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी है, इससे तो आप लोग परिचित हैं, हम वही एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप कभी ना कभी परिचित हैं ना, ताकि आपको समझ में आए ना। तो हम जानते हैं कि एमकेएस पद्धति में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी का मान कितना होता है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना बच्चों। हम जानते हैं कि एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर कि कोई बोल दे कि आप बताइए कि एमकेएस पद्धति में जी का मान तो इतना है, अब बोलेगा कि आप बताइए कि सीजीएस पद्धति में इसका मान कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? बस वही फार्मूला का यूज करना है ना। देखिए अभी फार्मूला क्या निकाले थे, फार्मूला देखिए क्या था, एन टू इक्वल टू एन वन यहाँ पे है मल्टीप्लाई, ठीक, N1 इंटू M1 अपान M2 के पावर क्या बच्चों? A। इसको हमेशा भाई बड़े ब्रैकेट में लिखना है ना, हम गलती से लिख दिए हैं, ठीक, के पावर A, L1 अपान में L2 के पावर में क्या बच्चों? B, ठीक, और L1 अपान L2 के पावर में B, T1 अपान T2 के पावर में C न बच्चों। ठीक, हम बस N2 का मान निकालेंगे और वो सारी चीज़ें, जैसे मान ली मीटर पर सेकंड में है तो क्या हो जाएगा, सीजेस में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है इसमें तो मीटर में है, उसमें किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है ना, सेंटीमीटर में होता है, ठीक, और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है, सेकंड तो वही रहेगा, ठीक, हमको बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। तो हम वैल्यू रख देते हैं ना, हमको N2 निकालना है, बस N2 निकालना है, यहीं पर N2 की जगह पे जो आ जाएगा वैल्यू उसको रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, मीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, देखिए कैसे, N2 इक्वल टू N1 दिया 9.8 ना बच्चों, 9.8, ठीक बच्चों। अच्छा, M1 हमारा पहली पद्धति का है, तो M1 क्या बता रहा है, इसमें तो कोई M है, M दिख रहा है, बताओ, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मतलब इसमें लेंथ है लेकिन द्रव्यमान का बात नहीं है, तो यहाँ के लिए M 0 है ना, M की पावर 0 है ना बच्चों, M की पावर क्या है, 0 है, L की पावर 1 है ना, और T की पावर क्या है बच्चों, -2 है ना, M की पावर 0 है, L की पावर 1 है, T की पावर -2 है, तो वही बात ना इस मात्रक में भी होगी, जो पावर होंगे सेम होंगे, तो ए बी सी ये पावर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, M1 अपान में M2 के पावर में क्या 0 ना बच्चों। अब L1 अपान में L2 के पावर में क्या बच्चों 1 ना, ठीक, T1 ना, T1 अपान में T2
की पावर में क्या बच्चों, माइनस टू। ठीक, तो यहाँ से हमको ए बी सी की वैल्यू मिल गई ना, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका वैल्यू रखते हैं, ये एम वन, अच्छा बताओ इसकी पावर जीरो है तो ये तो वन हो ही जाएगा फिक्स, तो एन टू इक्वल टू 9.8 ना बच्चों, ये तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बचा हमारा क्या, एलोन अपन एल टू। तो हमको पता है एलोन किस में है मुन्ना, एलोन है आपका किस में, मीटर में है ना, तो मीटर में है, इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। किस पद्धति में चेंज करना है इसको ध्यान रखेंगे, तो ये मीटर में बताइए, तो एलोन को हम एक मीटर मान लें ना, तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10^2 सेंटीमीटर ना, तो लिख देते हैं, मतलब एलोन की जगह कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर ना, अपान में एल टू किस में है, सेंटीमीटर में ही होगा क्योंकि वो क्या सीजस पद्धति में है, तो 1 सेंटीमीटर ना बच्चों, ये आ गया हमारा ये। फिर इनटू टी वन अपान डी टू ना, तो ये भी सेकेंड में, ये भी सेकेंड में है, मतलब 1 सेकेंड अपान में 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड अपान में 1 सेकेंड। पावर के कितना बच्चों, माइनस टू, हाँ माइनस टू। अच्छा तो यहाँ से आपको पता है बच्चों कि देखिए अगर के जैसे मान लीजिए 5 मीटर है, अपान में 5 मीटर है ना, या फिर हाँ 5 मीटर है अपान में 5 मीटर है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मीटर मीटर भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं ना, मतलब इसमें गुण है कि जो भौतिक राशि के मात्रक हैं वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं ना। जैसे मान लो कि कोण बराबर क्या होता है आपका, कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या ना बच्चों, चाप बटा के त्रिज्या होता है, तो चाप भी क्या एक प्रकार लेंथ है ना, तो ये भी मीटर में हो जाएगा, ये भी मीटर में तो खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोण आ जाता है ना। ठीक, तो एक अलग टाइप का बिहेवियर शो करता है, वो पूरक मात्रक जो बताए थे इसलिए आया था क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे मतलब मात्रक ही खत्म हो जा रहे थे तो वहाँ पे कोण आया था। ठीक है, कोण का मात्रक रेडियन होता है ना, तो मतलब इसीलिए उसका यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं, आप लोग वहाँ पे नहीं बताए थे, हमको याद आ गया इसलिए बता दे रहे हैं। जो पूरक मात्रक है, इसका पूरक मात्रक नाम क्यों पड़ा ना, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब आप देखोगे तो जो पूरक मात्रक है वो जो 7 मूल राशियाँ हैं ना, 7 मूल राशियों में ये डिफाइंड नहीं हो पा रहा था ना, कोण इक्वल टू चाप बटे की त्रिज्या, मीटर से मीटर कैंसिल, या फिर कोई भी यूनिट है मात्रक के कैंसिल हो जा रहा था ना, तो कैंसिल हो रहा था तो कोण के लिए हमको कुछ नहीं बच रहा था ना, तो कोण के लिए अब कुछ नहीं मिल रहा था हमको, तो उन्होंने क्या इसका नाम रख दिया पूरक, मतलब हमारे जो जितने मात्रक हैं उसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है ना, इसलिए इसका नाम अलग से क्या रेडियन पड़ा ना, रेडियन और स्टे रेडियन। ठीक है ना, तो याद आ गई बात तो बता दिए। ठीक, तो यहाँ से हम देखो मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये बचा कितना देखो, वन सेंटीमीटर ये भी कैंसिल, बचा वन, तो वन की पावर जितना भी हो कितना, वन ही होता है, वन की पावर माइनस टू मतलब वन ही आएगा ना, ये आपका 100 हो गया। तो एन टू कितना आ गया बच्चों, एन टू आ गया 9.8 × 100 ना, कितना आ गया 9.8 × 100। तो फिर एन टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो गया आपका 980 ना, 980, मतलब जो एम के सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर सीरीज पद्धति में इसका वैल्यू बोलेंगे तो कितना बोलेंगे बच्चों, 980 ना, मीटर की जगह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में ना। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपने से 2-3 और कर लीजिएगा एग्जांपल इस पर। ठीक है, जैसे मैं फोर्स का जो मात्रक होता है कितना होता है, फोर्स का मतलब फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन होता है, 1 न्यूटन। ठीक है, अगर के बोल दिया जाए कि सीजस पद्धति में, ठीक है, जो न्यूटन मात्रक होता है वो क्या बन जाएगा ना, एम के पद्धति में तो न्यूटन होता है, सीजस पद्धति में कितना आ जाएगा, तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ना। ठीक, नहीं तो अगर के कमेंट में आएगा उस पूर्व मतलब करने के लिए तो हम कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं, पहला तो हो गया क्या कि किसी एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज करना
ना बच्चों, इसके बाद हम सीखेंगे कि जो ये मात्रक होते हैं ना, बता रहे हैं, मिटा लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, समीकरणों का सत्यापन होता है। जैसे हम लोग पढ़े कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो इसके हेल्प से ये अगर के दोनों साइड की बीमा सेम आ गई तो हम बोल देंगे कि क्या, कि समीकरण सत्य है। लेकिन देखो, ये अंतिम बात सत्य नहीं है। ऐसे कुछ भी लिख के उसके सामने कुछ भी लिख देंगे, अगर के बीमा सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो समीकरण सत्य है ना, समझे ना। जैसे मान लीजिए कि हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, हाफ एम बी स्क्वायर ना, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना। तो हाफ के जगह पे ना कुछ और तरीके से 1/8, 1/9 ऐसे रख देंगे तो क्या एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ना। तो वही बीमा आर के सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सूत्र सही है ना। बीमा बस ये दिखा सकता है, अगर कि बीमा गलत, बीमा सही, मतलब बिना बीमा दोनों तरफ बराबर होना चाहिए घात। मतलब इसे मान लीजिए कि इधर पे m की पावर 1, t की पावर 2 एंड l की पावर m की पावर n, l की पावर n, t की पावर 2 है ना। तो इधर भी हो सकता है कि m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 2 है ना। अगर कि ये केस नहीं है तो सूत्र गलत है, अगर कि ये केस है तो सूत्र सही है, और सूत्र गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि न्यूमरल वैल्यू चेंज होते रहते हैं ना। तो जो हमारी बीमा है न्यूमरल वैल्यू को नहीं दिखाती है ना, तो बस ये दिखाता है कि नहीं, ये सत्यापन कर सकता है कि सूत्र सही है, लेकिन वाकई सही है वो हम मतलब डिस्कस इसके बेसिस पे नहीं कर सकते ना, इसको समझिएगा। तो देखिए, ऐसे बोल सकते हैं, बीमीय संकल्प, एक टर्म आता है बीमीय संकल्पना ना, बीमी संकल्पना ना। तो ये कहता क्या है ना इसमें, कि जैसे मान लीजिए कोई दो साइड है तो इधर की बीमा है, ठीक है, इधर की बीमा है ना, दोनों की बीमा सेम है तभी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते ना। या फिर कोई मान लीजिए कि हम जोड़ रहे हैं फोर्स ना, ये टू न्यूटन का फोर्स है ना, देखिए आर के हम जोड़ रहे हैं टू न्यूटन का फोर्स ना, टू न्यूटन, इसमें अगर कि तो आप लंबाई को जोड़ेंगे तो जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो बीमित संकल्प नहीं कहता है कि समान प्रकार की बीमाएँ आपस में जुड़ती हैं या फिर घटती हैं ना, ठीक है, समान प्रकार की बीमाएँ क्या करती हैं, आपस में जुड़ती हैं घटती हैं। मतलब एक प्रकार की बीमा क्या है, मतलब फोर्स का क्या है, टू न्यूटन है, टू न्यूटन में हम आर के 5 मीटर जोड़ेंगे तो जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा ना। इस बात, यही बीमीय संकल्पना, बीमीय संकल्पना के आधार पे ना, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बीमीय संकल्पना के आधार पे समीकरणों का सत्यापन कर सकते हैं, या फिर समीकरणों तथा सूत्रों का सत्यापन, लिख लो, बीमीय संकल्पना के आधार पर बीमीय संकल्पना के आधार पर समीकरणों का सत्यापन। जैसे देखो बच्चों, हमारा है s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर ना, होता है, ठीक है, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। तो ये सूत्र तभी सही कहेंगे जब इधर के बीमा के बराबर होगी ना। तो इधर देखो, ये एस क्या दिखाता है, विस्थापन को दिखाता है ना। तो विस्थापन की बीमा में निकाला था कल कितना था, एल था ना, एल की पावर 1 ना। तो इधर भी कुछ भी करके तीन ताम झाम करके इधर भी एल ही आना चाहिए ना। देखो हम ला रहे हैं एल ना, देखो ये यू ए टी है तो U क्या हो सकता है, देखिए U क्या है, U की बीमा कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू, मतलब ये प्रारंभिक वेग है ना, तो वेग का क्या डिफिनेशन होता है,
मतलब ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर मतलब एम ना, सॉरी एम मतलब नहीं, मीटर मतलब एल, एल अपान में टी, तो कितना एल टी की पावर माइनस वन ना बच्चों, तो इसको क्या ले सकते हैं एल टी की पावर माइनस वन। ठीक है, ये टाइम है, टाइम की विमा कितनी होती है टी होती है ना बच्चों, टी प्लस ना प्लस हाफ, ठीक प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, ए क्या है इसका, ए मतलब त्वरण, त्वरण के लिए बार क्या बताए थे एम मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो एम फॉर एल हो जाएगा और टी की पावर टू मतलब ये कितना हो गया एल टी की पावर माइनस टू ना बच्चों, एल टी की पावर माइनस टू यहाँ पर रख देते हैं एल टी की पावर माइनस टू ना इंटू इंटू टी की पावर टू ना बच्चों, देखो क्या हो जाता है ये एल है आपका, तो देखो ये टी के पावर माइनस वन है, टी के पावर वन है, दोनों को जुड़ेंगे तो टी के पावर जीरो हो जाएगा, जो कि जो कि वन हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका एल हो गया, समझे ना, प्लस एल टी के पावर माइनस टू इंटू एल टू, देखो टू टू पावर जुड़ के क्या जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से भी टी खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा हाफ एल ना, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा एल ना, देखो यहीं पे क्या न्यूमेरल वैल्यू को हम मतलब हटा देंगे ना, तो ये भी L है, तो अभी हम बीमित संकलन में जाने हैं कि दो समान प्रकार की बीमाओं वाले मात्रक ये आपस में जुड़ या घट सकते हैं, तो ये भी L है, ये भी L है, तो दोनों जोड़ के कितना जाएंगे 3/2 L हो जाएंगे ना, तो ये बीमा के परिपेक्ष में ना, ये इक्वलिटी साइन किसके परिपेक्ष में है, बीमा के परिपेक्ष में है ना, ये 3/2 को इग्नोर करेंगे, देखो ए भी एल हो गया और ए भी एल हो गया, तो मतलब बीमी आधार पे ये क्या फार्मूला क्या है सही है ना, तो आगे की बात को हम कल चर्चा में लेंगे ना इसी की बात से। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप लोग भी इस पर कुछ पढ़िए, ठीक जो भी डाउट हो आप पूछिए हम बताएंगे, ठीक टेक केयर, बाय बाय।